प्रियंका चाह चौधरी को ऑफर हुई शाहरुख खान की डंकी। बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट ने बताया क्या है सच्चाई। बिग बॉस 16 के बाद से ही प्रियंका चाह चौधरी पॉपुलैरिटी के आसमान पर हैं। उन्हें टीवी सीरियल उड़ारियां से लोग जानते थे, लेकिन सलमान खान के हर वीकेंड मिलने वाली डांट ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी भले ही प्रियंका को ना मिली हो, लेकिन उनके खाते में टीवी और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने की खबरें आम हैं। प्रियंका के बिग बॉस से निकलने से पहले ही खबर आई कि उन्हें शाहरुख खान की डंकी ऑफर हुई है। एक्ट्रेस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। जब से सलमान खान ने घोषणा की कि उनके पास प्रियंका चाह चौधरी के लिए कुछ बाहर है, तब से एंटरटेनमेंट न्यूज़ में बवाल मच गया है। और तभी से चर्चा थी कि प्रियंका को राजकुमार हिरानी की निर्देशित शाहरुख खान और तापसी पन्नू स्टारर डंकी में एक रोल ऑफर हुआ है। जब फिनाले की रात में वो बिग बॉस हाउस से बाहर आईं तो प्रियंका से उसी के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हाल ही में प्रियंका ने फिर से डंकी की पेशकश की खबरों को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। टैली चक्कर के साथ बातचीत के दौरान प्रियंका ने खुलासा किया कि यह उनके लिए भी चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा, फिल्म मेकर्स की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं आया है। हालांकि प्रियंका ने कहा कि वो सच में चाहती हैं कि ऐसा हो। एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि मैं इस पर कुछ कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हूं। प्रियंका ने हाल ही में कंफर्म किया कि उनके अंकित के फैंस उन्हें जल्द ही एक साथ देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका और अंकित एक म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आएंगे। प्रियंकित को एक बार फिर साथ देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जब सलमान ने कहा कि उनके पास उनके लिए कुछ है, तो हो सकता है कि उनकी अगली फिल्म में उनकी कोई रोल हो। अब हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।